स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मंथन स्मार्ट क्लास में। हम लोग यहाँ पर जैसा कि आपको बताए थे टेट और सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैथ में सीरीज लेके चल रहे हैं और इसमें जो आपके पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं, अगला वीडियो लेके आए हैं जो आपका है नंबर सिस्टम से ही है। 12-13 क्वेश्चन हमने पिछले सीरीज में देखे थे, अब उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। कह रहा है 496 और 318 का निकटतम सैकड़ों में मान क्या होगा? तो 496 और 318 के योग का, तो इन दोनों का योग करिए आप, 496 करिए और 318 करिए। तो ये आ गया 814, तो ये 814 आ गया। तो निकटतम सैकड़े में मान आपसे पूछ रहा है, तो आपका निकटतम सैकड़े में मान कितना हो जाएगा, चलिए बताइए। आप जानते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो निकटतम सैकड़े को निकटतम करना है। तो ये इकाई है, ये दहाई है और यह सैकड़ा है, यानी कि 8 को लिखना है और इसके आगे अगर 50 से ज़्यादा होता या 50 होता तो हम यहाँ पे आगे बढ़ा लेते, लेकिन यहाँ पे 14 है तो हम यहाँ पे 00 लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर निकटतम सैकड़े में जो आ जाएगा वो 800 आ जाएगा। अगर यही सवाल निकटतम सैकड़े की जगह निकटतम दहाई पूछता, यही सवाल में अगर निकटतम दहाई पूछता तो 814 का निकटतम दहाई हो जाता 810। निकटतम दहाई में मान कितना होता? 810। ठीक है, कर लेंगे। तो सैकड़ा, दहाई किसके निकटतम पूछा, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच चार अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो 999 और 3000 के बीच में चार अंकों वाली संख्याएं आपकी कितनी हो सकती हैं, ये आपको बताना है कि चार अंकों वाली आपकी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो 3000 से आप 999 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 9 गया तो आपका 1 आ जाएगा। 3000 के बीच कह रहा है तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 2999 से, किससे घटाएंगे? 2999 इसमें से जब घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2000, यानी कि इसके बीच में चार अंकों वाली जो संख्याएं आएंगी वो आपकी आएंगी 2000 संख्याएं। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? या तो 999 घटा दीजिए या तो 3000 से 1000 घटा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करेगी, यानी कि इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए हैं 19, 17, 13 और 11, इनमें से कौन सी संख्या 9361 जो होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 11 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगाते हैं, ऑप्शन से हम इसे लगाएंगे क्योंकि काट के देखेंगे तो पहले 19 से 17 से 13 से 11 से सबसे भाग करना पड़ेगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगाइए 9361, यहाँ से सम 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 स्थानों वाले संख्याएं और विषम विषम स्थानों वाले संख्याएं अगर आप लोगे तो यहाँ देखोगे 9, 6, 15 और 3 और 1, 4, अब इन दोनों को घटाओगे आएगा 11। तो जब कभी विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग अलग अलग 11 से कट जाए, 11 से रूल डिविजिबिलिटी का होता है, या तो वो अलग अलग 11 से कट जाए या तो उसका अंतर 11 से कट जाए और या तो वो बराबर हो, तीन रूल होते हैं। तो यहाँ पे उनका अंतर जो आ रहा है वो 11 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या 9361 भी 11 से विभाजित करेगी, कोई भी शेष नहीं बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11। 11 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है? या तो स्टार्टिंग से एक एक संख्या छोड़ते ऐसे चले जाते हैं और बाद में जो बची संख्या है उनको ले लेते हैं, तो या तो ये जो संख्याओं का योग है ये भी 11 से कटे, ये भी 11 से कटे, और या तो इनका अंतर 11 से कटे,
वैसे इनका अंतर 11 से कटे, अलग अलग कट रहे हैं तब भी 11 से कटेंगे, और अगर वो दोनों बराबर हैं चाहे 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो तब भी हमारा वो 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या 11 से डिविजिबल होने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, अंकों को पलट देने पर, ये लैंग्वेज आपके सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, अंकों को पलटना क्या होता है, यानी कि लिखा हुआ है 5671 और इसको जब पलटेंगे तो इसको इधर से 1, 7, 6 और 5 ले लेंगे, अब इधर से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इसी को कहते हैं अंकों को पलटना। प्राप्त संख्या का अंतर, इस अंतर का मतलब होता है माइनस, तो इसको हम लोग घटा देंगे, तो जब इसको घटाएंगे, इसको घटाइए 11 में से कितना आ जाएगा, घटा के आपका 5 आ जाएगा, 11 में से घटाने के बाद कितना आएगा, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 आएगा, और यहाँ पे बचा 6 में से 6 जाएगा तो आपका 0 आएगा, यहाँ पे बचा 16 में से आपका 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, बताइए, घटाइए, आप लोग स्वयं घटाइए, 16 में से 7 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 3906 यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो एक संख्या और उसके अंकों को पलट देने पर, बनी संख्या के में जो अंतर था वो आपसे पूछा गया था, तो हमने पलट के संख्या लिख दी और उसका अंतर कर दिया और हमने इसको लगा लिया। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन, आपके वही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कभी ना कभी टेट और सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है, 25 से आपकी कौन सी संख्या विभाज्य है, हमको इसको चेक करना है, 25 से हमारी कौन सी संख्या विभाज्य। चलिए, ये क्वेश्चन आपका है 25 से डिविजिबल, या तो आप इसे अलग अलग 25 से भाग करके देख लीजिए, नहीं तो एक 25 से डिविजिबिलिटी का रूल भी होता है कि अगर लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं अगर कहीं पर आपकी 25 से कट रही हैं तो वो पूरी संख्या 25 से कटती है, ऐसा एक नियम होता है। तो हमारे पास यही एक ऑप्शन ऐसा है कि 7150 जिसमें लास्ट की 3 डिजिट 25 छक्का 150 पूरी पूरी कट रही हैं, तो ये पूरी संख्या भी आपकी 25 से विभाजित होगी। ठीक है, और ऐसी कोई ऑप्शन में नहीं है जो कट रही हो, वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं, x कोई संख्या है अगर उसको हम 4 से गुणा कर दें, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 2 डिजिट आ रही हो, 100 से भाग कर दें, अगर पूरा पूरा कट रहा हो तभी वो कट जाता है 25 से, लेकिन ये एक लेंदी रूल है, थोड़ा सा किताबों में दिया होता है लेकिन ये एक लेंदी रूल है, आप सिंपल सा समझिए बिल्कुल, कि अगर किसी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट 25 से कट रही है देन वो पूरी संख्या भी 25 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहा 100 तथा 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं होंगी, 200, तो 7 से डिविजिबिलिटी का मतलब 7 से भाग करके देख लीजिए, 7 × 2 = 14, अब 6 आया, 14 के बाद 6 आया, 56, यानी कि 28, तो आपकी 28 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लीजिए और डिफरेंस को जिससे डिविजिबिलिटी के लिए कह रहा है उससे आप भाग करके देख लीजिए, तो यहाँ पे 100 और 200 के बीच में 200 संख्याएं होंगी जिसको हम जब भाग करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 28, कितना आसान है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, चलिए देखते हैं, 1 से 40 तक की लगाइए, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 1 से विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो 1 से 40 तक की विषम संख्याएं, 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 20 विषम संख्याएं होंगी, अगर आप देखें 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 20, क्योंकि हाफ आधी विषम आधी सम होती है, तो अगर यहाँ पर 20 विषम संख्याएं होंगी और इसका फार्मूला हमने बताया था n स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 20 × 20 = 400, यानी कि जो आपकी आंसर आएगा वो आंसर आएगा 400, कितना जाएगा 400,
तो आपकी जो 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग होगा वो आपका हो जाएगा 400। हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अभी आपको फार्मूला, अब आप सोचो 20 संख्याएं कैसे, आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 6, 7, 8 कैसे भी लिख लीजिए, तो आधी सम होती हैं और आधी हमारी क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो 40 तक हमारे 20 सम होंगी और 20 विषम होंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या क्या होगी। बृहत्तम संख्या क्या होगी बिना किसी शेषफल के, शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए इसमें, तो बताइए इसमें क्या हम लगा सकते हैं, बताइए इसमें हम क्या लगा सकते हैं। इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक, बृहत्तम संख्या यानी कि हम लोग महत्तम समापवर्तक लेंगे, तो हमारा 99, 132 और 165 का महत्तम समापवर्तक, बृहत्तम संख्या कौन सी इनमें से आ जाएगी, करिए इसे 11, 9, 99 इसे करिए 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और इसे करिए 11 एकम 11, 5 55, फिर आप 3 से काटिए 3, 5 15, फिर इसे आप 3 से काटिए 3, 6 12, इसे काटिए 3, 3 9, तो ये 11 सभी में है और 3 भी सभी में है, तो 11, 3, 33 आपका मासा कितना हो जाएगा, आपका SCF कितना हो जाएगा, 11, 3, 33 आपका SCF कितना हो जाएगा बच्चों, 11, 3, 33, ठीक है। तो जो इस तरीके से क्वेश्चन हो कि इतने 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 को भाग देने पर बृहत्तम संख्या आपको निकालनी हो, तो आपका आंसर हो जाएगा उसका मासा यानी कि उसका SCF, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए और हमारी पूरी सीरीज के साथ बने रहिए। हम लोग डेवलपमेंट का, पर्यावरण का और हिंदी का पूरी 5 सब्जेक्ट की पूरी सीरीज यहाँ पे डाल रहे हैं, रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं और वो भी आपको फ्री हैं। फ्री का मतलब हो गया कि आपके कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और अच्छा कंटेंट, जितने भी आज तक आए हुए क्वेश्चन हैं सारे आपको पढ़ाए जाएंगे टेटो सीटेट के एग्जाम के पहले, लेकिन आपको थोड़ा सा जो शुल्क है वो देना नहीं है, लेकिन इसको एज ए गुरुदक्षिणा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ये तो बनता ही है इतना तो आप कर ही सकते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या है, 1 संयुक्त संख्या है और इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, यह आपका कथन सही है, 1 अभाज्य संख्या है, 1 संयुक्त संख्या है या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा यहां पे आंसर आ जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे चारों ऑप्शन है और 1 के बारे में जो कहा जाता है, 1 हमारी ना भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है, 1 एक ऋण संख्या होती है, तो यहां पे आंसर इनमें से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे जो बहुत सारे लोग हैं बुक्स में और जो इस तरीके से हैं वो इसमें से 1 अभाज्य संख्या नहीं है ऐसा भी करके मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसमें होना चाहिए 1, आप इस 1 की परिभाषा ही यही होती है, 1 ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। वैसे इसमें ए भी लोग लगाए हैं, ठीक है, आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 है क्या आखिर। अगला देखिए, कह रहा यदि a+2 a+4 अभिभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं, a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हो सकते हैं, 1, 2, 3 या 3 से अधिक, a के कितने मान हो सकते हैं बताइए। अगर वो अविभाज्य संख्याएं हों तो a का कितने मान हो सकते हैं, 1 मान इसका हो सकता है, a का 1 ही मान हो सकता है, तो हमारे यहाँ पर ऐसी एक एक कितने मान संभव हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बहुत से ऑप्शन लोग इसमें किताब में कुछ और दिया होगा, इसमें कुछ और दिया होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 2। अगर हम ए की वैल्यू 1 रखें तो 1, 3 और 5 यहाँ पे आंसर आ रहा है, अगर ए बराबर 1 रखें
अगर a बराबर दो रख नहीं सकते क्योंकि दो हमारी अविभाज्य नहीं है, अगर तीन रखें तो यहाँ पे आ जाएगा तीन, तीन दो पाँच और चार तीन सात, तब भी ये हमारी क्या हो जाएगी, अविभाज्य हो जाएगी। तो सिर्फ यही एक एक और तीन ऐसे मान हैं जिनके लिए ये तीनों हमारी अविभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अगर हम तीन के ऊपर कोई भी मान रखते हैं तो इनमें से किसी न किसी को काट जरूर देगा, क्योंकि तीन की मल्टीपल में हर एक तीसरी संख्या तीन से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा दो आ जाएगा। ए के ऐसे दो मान संभव हैं, एक और तीन, जो इन तीनों को अविभाज्य बना के रखेंगे, यानी कि भाज्य नहीं होने देंगे। ठीक है, कह रहा दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या -36 है, एक संख्या कितनी है -36 और प्लस ए, और इनका योग कितना था 32। तो इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6 2 8 और 3 3 6, यानी कि ए बराबर आ जाएगा आपका 68। ए बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए बराबर 68, यानी कि 68। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 68। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जाएं तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग टेट और सीटेट को स्पेशल सीरीज मान के वो सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपने हमारे इस चैनल पर, अपने इस चैनल पर पढ़ा ना हो। ठीक है, तो हम वो सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं? तो 25 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं ये चीज आपको बतानी है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो किसी से ना कटें, बताइए। तो 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं? तो हमारी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 9 नहीं होती है, 8 नहीं होती है, 11 13 17 19 21 नहीं होती है, 22 नहीं होती है, 23 और 24 नहीं होती है, 25 भी नहीं होती है। तो आपकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 हो जाएगी। तो आपके आंसर आ जाएगा 9। एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तभी हमने एक यहाँ पे लिखा नहीं। इससे पहले हम लोगों ने सवाल भी किया है कि एक कैसी संख्या है, तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। अगर पूछे ऐसे कौन सी है अभाज्य संख्या जो सम भी है, तो एकमात्र अभाज्य संख्या आपकी 2 है जो सम है, और कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो, बाकी सारी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन 2 एक ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ में सम भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 जो है वो कितनी बार आएगा, आपको बताना है अंक 0। तो आप देखिए, अगर हम 1 से लगा के 10 तक लेते हैं तो ये हमारा एक बार 0 आ रहा है। अब ऐसे ही 11 से लगा कर अगर आप 20 तक लोगे तो 2 बार 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर जब आप जाएंगे 100 तक, तो ये 10 बार तो इसमें 0 आ चुका है, 10 बार इसमें आ चुका है, लेकिन 100 में एक बार और एक्स्ट्रा 0 है। तो यहाँ पर कह रहा है 1 से 100 तक के संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा। तो 10 तक तो इसमें आ गया, एक और आ गया 100 में, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 11 बार। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 11 बार आएगा। तो इस तरीके से आपने अपने 25 क्वेश्चन पूरे किए। तो आगे के वीडियोस में हम लोग मिलेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। नंबर सिस्टम के कम से कम हम लोग 170 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे ही लगे होंगे क्योंकि ये हम टेट सीटेट लेवल के सारी सीरीज लेके आ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का भी पार्ट मिलेगा, आपको पेडागॉजी का भी पार्ट मिलेगा, मैथ की पेडागॉजी के सीरीज भी पड़ी हुई है उसका भी पार्ट मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।